नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षी पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो को पूरी जरूर देखिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घर के पितर रुष्ट होने के लक्षण और उपाय। बहुत जिज्ञासा होती कि आखिर ये पितृदोष है क्या, पितृदोष शांति के सरल उपाय, पितृगण कौन है। आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं हम इस वीडियो में। पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर सूर्यलोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक को भेजकर स्वर्गलोक की तरफ जाती है। लेकिन करोड़ों में एकाध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती हैं। हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही नहीं कोई प्यार या स्नेह है, ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, ना ही ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं और इसे ही पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति की शांति करानी चाहिए और पितरों को मनाने का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष अगर है तो फिर व्यक्ति अपने परिवार सहित खुश नहीं रह सकता, हमेशा परेशान रहेगा। कुंडली में कैसे बनता है पितृदोष, क्या है जातक पर इसके नकारात्मक प्रभाव, कैसे पाएं उपाय इससे निजात। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में शुभ और अशुभ दोष बनते हैं। शुभ दोष मनुष्य को राजसत्ता तक ले जा सकते हैं और अशुभ दोषों के कारण व्यक्ति का जीवन संघर्षमय बीतता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी साथ नहीं देता। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष के बाद यदि किसी दोष को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है तो वह है पितृदोष। पितृदोष में व्यक्ति को काल सर्प की तरह ही फल भोगने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं धन दौलत प्राप्त होती है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के संयोग से कोई अशुभ दोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, सफलताएं बहुत कम मिलती हैं। क्या होता है पितृदोष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले वंश के लोगों को कष्ट देती हैं और इसे ही पितृदोष कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों से को देखती हैं और उनसे बहुत उम्मीदें लगाती हैं। जो पूर्वजों को अनादर देते हैं, कष्ट देते हैं, दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती हैं और इसी श्राप को पितृदोष माना जाता है। ज्योतिषी घटनाओं के हिसाब से जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न भाव और पांचवें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष बनता है। इसके कारण कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो
तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की विवाह में देरी होती, सगाई टूट जाती, वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, महिलाओं को गर्भधारण में समस्या होती है, बच्चे की अकाल मृत्यु होती है, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानी आती है। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो सकती है, लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं, परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतें भी लग सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो ऐसे व्यक्ति को इसका उपाय करवाना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या को श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष पाठ का जरूर करना चाहिए। प्रत्येक चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना, भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुभ है। ऐसे व्यक्ति को 1.25 किलो चावल लाकर रोज अपने ऊपर से एक मुट्ठी चावल 7 बार उतार कर पीपल की जड़ में डाल देना चाहिए। ऐसा लगातार 21 दिन तक करने से पितृदोष से राहत मिलती है। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा है तब जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना, रोज उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और क्षमा मांगना चाहिए। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने बड़े हर शनिवार को खिलाने से शनि राहु केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। प्रत्येक साल पड़ने वाले पितृ अमावस्या पर या जिस तिथि पर आपके पूर्वज की मृत्यु हुई है उस तिथि पर पितृदोष शांति विधिवत कराना पितृदोष को कम करता है। पितृदोष से बचने का एक उपाय, कौ और मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू हर शनिवार को दीजिए। पितृदोष किसी भी प्रकार की सिद्धि को नहीं आने देता, सफलता कोसों दूर रहती है, व्यक्ति केवल भटकाव की तरफ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माता काली का उपासक है तो किसी भी प्रकार का दोष उसकी जिंदगी से दूर रहता है। लेकिन पितर जो कि व्यक्ति की अनदेखी के कारण अधिक आधुनिकता के प्रभाव कारण पिशाच योनि में चले जाते हैं, वे दुखी रहते हैं। उनके दुखी रहने का मुख्य कारण यह माना जाता है कि उनके ही खून होनहार उन्हें भूल गए हैं और उनके ही खून के द्वारा मान्यता नहीं दी जाती। पितृदोष हर व्यक्ति को परेशान कर सकता है, इसका निवारण बहुत जरूरी है। पितृदोष के उपाय के लिए सोमवती अमावस्या को या जिस अमावस्या को सोमवार हो पास के पीपल के पेड़ के पास जाइए, उस पीपल के पेड़ को एक जनेऊ दीजिए और जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को दीजिए। पीपल के पेड़ की और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, 108 परिक्रमा उस पीपल के पेड़ की दीजिए। हर परिक्रमा के बाद एक मिठाई जो भी आप स्वच्छ रूप से हो पीपल को अर्पित कीजिए। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते जाइए। परिक्रमा कर पूरी करने के बाद फिर से पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी जाने अनजाने में अपराध हुए हैं उनसे क्षमा मांगिए। सोमवती अमावस्या की पूजा से बहुत ही जल्दी उत्तम फलों की प्राप्ति होने लगती है। इस प्रकार आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।